Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I'm great as well. I'm Nandini. I'm educator and mentor at Learn Karo. Your educator, your mentor at Learn Karo. I'm taking your legal studies for class 11th. Separation of Powers Part 3 has already been uploaded. I hope aap sabne check kar liya hoga. In which we talked about Britain as well as US se wahan pe kaise, you know, separation of powers, you know, powers separated kaise hai, separation of powers kaise kaam karta hai. Ab hum is video mein dekhne wale hain India mein kaise kaam karta hai. इंडिया एंड ब्रिटेन बहुत ज्यादा सिमिलर है. तो यहाँ देखो जरा, प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस इज एल. एल मींस यू हैव टू लर्न. आपको लर्न करना है जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है. अब इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज एक्चुअली में क्या होता है? मेंबर्स होते हैं जो लोग वोट करते हैं. सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव assemblies of the states. So now you know both the members of the parliament as well as elected members of the legislative assemblies. Mind you, word dhyan rakhna elected. Kahi nominated aa jaye to nominated pe cancel karna hai. Elected hi hote hain wo log. Theek hai, elected members hi hote hain members of parliament and elected members hi hote hain legislative assemblies of the state ke. He or she is appointed for a fixed term of 5 years. So he, she, यहाँ पे कौन लिखा है? President जो होता है, he is elected for a fixed term of 5 years, 5 साल के appoint किया जाता है. President जो होता है, nominal executive head होता है. Nominal मतलब होता है somebody who exists in name only. Yes, nominal head इसलिए ही है. वो executive head कौन है? President है. हम सबको पता है. Nominal इसलिए है क्योंकि सारे जो काम होते हैं वो एक्चुअली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं. Everything is executed by them, but all the decisions are taken in the name of President. कि प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया है, बल्कि सारा काम पीछे किसका होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है. सो रियल एग्जीक्यूटिव देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. मैंने ये बताया ना, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. सारा काम क्योंकि वही कर रहे हैं, एग्जीक्यूट वही कर रहे हैं लॉज को, बट नाम क्या आ जाता है कि प्रेसिडेंट हेड है. सारे काम प्रेसिडेंट को रहे हैं. प्रेसिडेंट जो है एक्सरसाइजेस हिज पावर्स और फंक्शंस विद द एड. एड मींस हेल्प एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. Prime Minister and his Council of Ministers की help करते लेते हुए President जो है कोई भी decision देता है. कोई भी चीज अगर you know कोई decision लेना हो, कोई भी policy हो, कोई भी चीज हो, तो वो aid किसका लेता है? Prime Minister and his Council of Ministers का. Advice उनकी लेता है. Usually जो advice होती है वो binding होती है President पे. Although it is not legally said that it is binding, but since it covers all the aspects, सब aspects covered होते हैं, तो जो वो advice होती है वो mostly binding ही होती है. Alright, फिर यहाँ देखो, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर काउंसिल एंड नॉर्मली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी है. मैंने पहले बताया हिज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा है वो, ठीक है, वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से. सो प्राइम मिनिस्टर और जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यूजुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं. दे आर यूजुअली, दे आर ऑलवेज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. दे एक्टिव रोल इन प्रपोजिंग अ बिल एंड वोटिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट. वो एक्टिव रोल इसलिए करते हैं क्योंकि वो बिल लेकर आते हैं कि ये बिल लाना चाहिए, वो बिल लाना चाहिए, ये एक्ट बनना चाहिए, एंड वोट कराते हैं. मेजोरिटी अगर वोट पास हो जाती है तो वो बिल पास हो जाता है मेजोरिटी से. सो पार्लियामेंट में वो वोटिंग का काम करते हैं, फिर बिल लाने का काम करते हैं. अ बिल बिकम्स एन एक्ट व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स हिज और हर एसेंट टू इट. नाउ वी नो, पहले जो भी होता है वो किसी भी यू नो हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल्स विच कैन ओनली बी ओरिजिनेटेड इन लोकसभा ओनली. सो कोई बिल आया लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा से पास हुआ तो वो एक्ट नहीं बन जाता जब तक उसको प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिल जाता, प्रेसिडेंट की हामी नहीं मिल जाती. सो द प्रेसिडेंट हैज वाइड लेजिस्लेटिव पावर्स टू इशू ऑर्डिनेंसेस फॉर इमीडिएट एक्शन. ऑल्दो प्रेसिडेंट के पास एक और पावर होती है, आप कहोगे बिल वगैरह की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, बट प्रेसिडेंट के पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर होती है. हम आर्टिकल तो उसका पढ़ेंगे, बट यहाँ देखो, President has wide legislative powers to issue ordinances for immediate action. वो ordinances means laws ही होते हैं. He can issue laws for immediate action. उसको अगर situation गलत लगे कि situation ठीक नहीं चल रही है तो immediate action के लिए वो कोई law pass कर सकता है. During the recess of legislature, जब legislature काम नहीं कर रहा हो, recess means it is on a break. So an ordinance issued shall have the force and effect as that of a parliament. प्रेसिडेंट के पास के पार अंडर आर्टिकल 123 होती है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है.
प्रेसिडेंट जो है प्रोमोगुलेट कर सकता है ऑर्डिनेंस इन रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट लेजिस्लेचर नहीं बैठ रही है. एन ऑर्डिनेंस दैट शैल हैव द सेम फोर्स, ऑर्डिनेंस सेम होता है एज एन एक्ट व्हिच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, सो दीज ऑर्डिनेंसेस हैव इक्वल पावर. देखो कितनी बड़ी बात है, प्रेसिडेंट के पास कितनी बड़ी पावर है. एक जो बिल इतने टाइम से लोकसभा में पड़ा हुआ है, पहले उससे मेजोरिटी से पास होना है, फिर राज्यसभा में मेजोरिटी से पास होना है, फिर उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तब जाके वो एक्चुअली में एक्ट बनेगा. सो प्रेसिडेंट इशू देखते हुए कि एकदम सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, एकदम से ऐसे प्रोमोलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंसेस आर मोर लाइकली अ लॉ ओनली. सो प्रेसिडेंट के पास पावर भी होती है, ही हैज पावर टू डिसॉल्व हाउस ऑफ द पीपल. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया अपनी कंट्री का तो हमें पता ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात. ऑलराइट, प्रेसिडेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी कर सकता है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं हुई है, नेशनल इमरजेंसी 2-3 बार हो चुकी है. सो ये सब पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है. प्रेसिडेंट मे बी ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज लेजिस्लेचर पावर इन केस ऑफ अ स्टेट इमरजेंसी. वो जो है एक लेजिस्लेचर की पावर भी एक्चुअली में प्रैक्टिस कर सकता है जो भी पार्लियामेंट के पास पास होती है, इन केस अगर स्टेट इमरजेंसी अराइज कर जाती है या प्रेसिडेंट रूल हो जाता है. प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है इसे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल को, मतलब लोकसभा को. दस दे रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस मोशन. कॉन्फिडेंस मोशन जब तक वो एंजॉय करते हैं तब तक वो रहते हैं. उनके अगेंस्ट अगर कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए कि 2/3 मेजोरिटी से वो लोग उनको रिमूव हो सकते हैं, वो लोग अगर 2/3 मेजोरिटी पास हो जाए, दैट दे हैव नो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाए तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है. एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और 2/3 मेजोरिटी इसी केस में मिलती है जब लोग कहें कि अरे गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. आपको याद होगा, आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा कि 2/3 मेजोरिटी एक बार नेहरू जी के टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू हुआ था, चला था, जब इंडिया बहुत सेटबैक पर आ गया था, तो उनके लिए यही कहा गया था कि उनकी गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो जब तक कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज दे इंजॉय कॉन्फिडेंस इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दे आर देयर, दे आर इन पावर. प्रेसिडेंट जो होता है वो भी इम्पीच हो सकता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चल सकता है. सो वेरियस प्रोविजंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कर रहे हैं, क्लास 12th में भी आप यही पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बहुत बात हो रखी है. जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. देखो कोई भी केस आता है गवर्नमेंट का, किसी सिटीजन का, गवर्नमेंट का, तो जुडिशरी जो है एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन काम करती है. इट इज नॉट इन फेवर, इट इज नॉट बायस, किसी के लिए वो बायस नहीं रहते हैं. सो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इन कंसल्टेशन. प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये सब अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. बट कंसल्टेशन किसके साथ लेता है, कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज लेड डाउन इन आर्टिकल 124(2) में. यही बात हो रखी है 124(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वही कहा गया है कि आपको कंसल्टेशन लेनी है जजेस से, जो जो लेड डाउन हो रखे 124(2) में. सो 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द सुप्रीम कोर्ट इन रिप्रेजेंशियल रेफरेंस ऑल इंडिया. देखो 1999 का केस है, उसने क्या कहा, नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द नॉर्म्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द एग्जीक्यूटिव on the appointment of judges to the Supreme Court and High Court and transfer of the latter. उनको कैसे अपॉइंट किया जाना चाहिए, कौन सा ट्रांसफर हो सकता है, किसका ट्रांसफर हो सकता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर देना चाहिए. तो इसमें यही बताया हुआ है, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सब मेंशन है व्हाट व्हिच ऑल जजेस हैव टू बी कंसल्टेड. एक 9 जजेस बेंच, यू नो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किए थे ऑल द नॉर्म्स एंड ऑल. तो ये 124(2) में ये सब लेट डाउन है That कौन-कौन से judges actually में appoint हो रहे हैं. So 124(2) में ये सब mentioned है, as laid down in Article 124(2). So one thing that is, दो बातें हमें clear हो गई हैं. Article 124(2) कहता है that President जो appoint कर सकता है, only in consultation with judges of Supreme Court and High Court ही appoint कर सकता है. One thing. The other thing is, एक बात सुनो. अब क्या हो गया है, एक्चुअली में ये प्रैक्टिस अब नहीं रही है. प्रेसिडेंट एक्चुअली में अपॉइंट नहीं करता है, कहते तो यही है, बट एक्चुअली में अब क्या होता है, 5 जजेस होती है, और ये जजेस एक कोलिजियम सिस्टम होता है. कोलिजियम सिस्टम में सबसे टॉप 5 सीनियर जज होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो लोग एक्चुअली अपॉइंट करते हैं अब जजेस को. ऐसा पहले था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे. ये कोलिजियम वाला केस 3 जजेस केस है, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे.
बस ये ध्यान रखना कि 124(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है दैट प्रेसिडेंट विल अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. देन एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बैठी थी उसमें क्या बोला था, इन री बोलते हैं मतलब वन साइड एक केस लाया गया था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में लेट डाउन किया गया था कि क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ऑफ कंसल्टेशन, कैसे आपको कंसल्ट करना है, कंसल्टेशन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उनका ट्रांसफर कैसे होगा, ये सब चीजें लेट डाउन हुई थी 1999 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था. बस ये दोनों लाइन यहाँ पे मेंशन करी गई है. प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस ऑफ अ जज कैन नॉट बी वेरीड आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट. जब उसका अपॉइंटमेंट हो चुका है उसके बाद आप बदल नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, वेरी नहीं कर सकते हो. नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज. अगर आप न्यूज बहुत ज्यादा पढ़ते हो और आप देख रहे हो, एक बार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किसी जज की बात करी कि उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस निकाला गया, एंड एक्चुअली में जो डील कर रहे थे उस केस के साथ वो खुद ही डील कर रहे थे. आई एम नॉट नेमिंग हिम राइट नाउ, बट अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो आप देखो, तो उनके अगेंस्ट एक बहुत बात उठाई गई कि किसी भी जज के बारे में पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकती है, यू कैन नॉट टॉक अबाउट देम इन पार्लियामेंट. सो यू कैन नॉट टॉक अबाउट एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट अगर प्रोसीडिंग ऑफ इम्पीचमेंट, अगर इम्पीचमेंट इनिशिएट हो रखा है तब बात हो सकती है. इम्पीचमेंट अगर हो रहा है प्रोसेस तब जाके हो सकती है, वैसे कोई भी बात नहीं हो सकती है. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 है होती है, ये हमें पता है ऑलरेडी. प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड, नॉमिनल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का. प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट इसमें आता है. जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ये तो हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं. राज्यसभा में 250 सीट्स होती हैं, लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं. 543 सीट्स बिलोंग टू नॉर्मल हम मतलब इंडियन सिटीजंस को, प्लस टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करती है, बट अभी एंग्लो इंडियन जो हो चुका है ये रिमूव हो चुका है. सो 545 टोटल सीट्स ही अब स्टेट्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. फिर राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा है ये 250 सीट्स है जहाँ पे 238 प्लस 12 का है, 12 लोग लिटरेचर वगैरह में अपॉइंट किए जाते हैं. लिटरेचर, आर्ट, साइंस हमने पढ़ा था ना, तो ये बात याद रखना. फिर आर्टिकल 50 की बात करें, आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इट सेपरेट्स जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विसेज. जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है दो डिफरेंट ऑर्गन्स है, दे विल बी इंडिपेंडेंट, दे विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. आर्टिकल 50 ये कहता है. ऑब्जेक्ट क्या है आर्टिकल 50 के बिहाइंड, इज टू प्रोवाइड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, की जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए. आप एक बात सुनो, अगर आज जज ही इंडिपेंडेंट ना हो, जज ही बायस्ड हो, तो जो गरीब लोग हैं वो इतने महंगे लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी उनके फेवर में केस ही ना आए. आज उनकी किसी बेटी का रेप हो गया, उनके किसी लड़के को किडनैप कर लिया, तो वो तो कुछ हेल्पलेस है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि पता है जज बायस है, जज हमारी कभी सुनेगा ही नहीं. तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है. जुडिशरी इन इंडिया इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेट करता है, रीड करता है, इन डिटेल अंडरस्टैंड करता है. जुडिशरी जो है इट इज एंटाइटल्ड टू स्क्रूटनाइज द लेजिस्लेशन, स्क्रूटनाइज करती है मतलब चेक करती है, इन डिटेल पढ़ती है ऑल द एक्ट, लेजिस्लेशन मीन्स एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, जो जो मैनेजमेंट का कैसे मैनेज किया जा रहा है, चीजों को कैसे इन्फोर्स किया जा रहा है, एंड असेस करती है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर है तो उन्हें भी स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, नन एंड वॉइड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है. सो जुडिशरी प्रोवाइड्स फॉर रेमेडीज, जुडिशरी जो है रेमेडीज प्रोवाइड करती है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए. डेफिनेटली रिट्स इश्यूज होते हैं गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिट जुरिसडिक्शन बोलते हैं, लाइक आई टोल्ड यू, रिट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 226 भी हो जाता है सुप्रीम हाई कोर्ट में. रिट जुरिसडिक्शन हम बहुत डिटेल में बात करते हैं क्लास 12th में, 11th में हमें इसके बारे में इतनी बात नहीं करनी है. सो जुडिशरी प्लेज द रोल ऑफ अ लेजिस्लेचर बाय लेइंग इट्स ओन प्रोसीजर्स. जुडिशरी जो है क्या रोल प्ले करती है, लेजिस्लेचर का रोल प्ले करती है, क्योंकि वो अपने प्रोसीजर्स बनाती है, प्रेसिडेंट्स बनाती है फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस. देखो कोई भी अगर केस आता है तो वो आगे भी प्रेसिडेंट की तरह काम करता है. प्रेसिडेंट मींस पहले के तहत, इस केस लॉ के तहत हम आपको ये पनिशमेंट सुनाते हैं कि ऐसे केस लॉज, ऐसे जो सिचुएशन पहले भी अराइज हुई है तब जज साहब ने ये कहा था. इट सुपरवाइजेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कंट्रोल्स द सबॉर्डिनेट जुडिशरी एंड दस परफॉर्म्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आल्सो. इट सुपरवाइज मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज करती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करते हैं. इट सुपरवाइजेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और कंट्रोल करती है कि कुछ गलत एक्शन तो नहीं लिया जा रहा है. सबॉर्डिनेट जुडिशरी मतलब जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उससे डेलीगेशन में काम कर रहे हैं. एंड इट परफॉर्म्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, इट मैनेजेस देम, मैनेज करती है एंड लुक एट द पब्लिक अफेयर्स एज वेल. सो जो जजेस होते हैं दे कैन बी रिमूव्ड ऑन इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट इज एक्चुअली द प्रोसेस ओनली, प्रोसेस के बारे में नहीं बात करनी है. ऐसा ही होता है कि पार्लियामेंट में शुरू होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है,
president को remove करने के लिए by the legislature only on the grounds of proved misbehavior or incapacity. ये हम class 12th में बात करते हैं. Proved misbehavior or incapacity, इन्हीं दो grounds पे आप actually में president को remove कर सकते हो और कोई ground नहीं है. So the Constitution of India provides for the powers and functions of the legislature. इसमें ये बताया हुआ है जो Constitution of India है वो कहता है powers and functions of legislature क्या है. Article 246, very important of the Constitution, states that Parliament and legislature of states have power to make laws. मतलब legislative assemblies होती हैं जो states की and Parliament होता है चाहे वो लोकसभा राज्यसभा है उनके पास power है to make laws. The matters are listed in Schedule 7. Schedule 7 of क्या होता है? Schedule 7 में 3 list है. State list होती है, union list, state list and concurrent list. Union list में matters आते हैं defense, international matters, international affairs. ये सब सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बना सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं चीजों में डील करती है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है. स्टेट लिस्ट में क्या क्या मेंशन्ड है? हेल्थ, एजुकेशन, दिस इज ऑल एन अफेयर ऑफ स्टेट. देन वी टॉक अबाउट कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट काम करती है. दीज इशूज आर डेल्ट बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. इसमें यही लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये सब डिटेल में बात हो रखी है आपकी क्लास 12th में. ठीक है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? That it lays down article 368 of Constitution of India provides for the constituent powers of Parliament. Parliament ki kya kya powers hai wo sab lay down karta hai article 368. It lays down the procedure for amendment of the Constitution. Kaise amendment ho sakta hai? In exercise of its power of judicial review. Judicial review matlab yahi hota hai. So judicial review, like I've told you, judicial review kya hota hai? Judicial review mein all the legislative and executive actions are taken care of. उनको देखा जाता है और कोई भी चीज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई चीज है, उसे स्ट्रक किया जाता है, हटा दिया जाता है, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है. सो केशव नंदा भारती केस में, पॉपुलरली नोन एज फंडामेंटल राइट्स केस, में क्या हुआ था? दैट पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ अमेंडिंग पास अंडर आर्टिकल 368, पार्लियामेंट के पास पास तो है अमेंड करने के अंदर आर्टिकल 368, इट कुड नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर. आप बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते हो. बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा? आप डेमोक्रेसी को मोनार्की नहीं बना सकते हो. सुप्रीम कोर्ट हट जाएगा, कल से सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये सब लॉज आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. ऑलराइट, सो बेसिक स्ट्रक्चर सोवरेनिटी है या फिर सेक्युलरिज्म इंडिया का, ये सब चीजें बेसिक स्ट्रक्चर को आप अफेक्ट नहीं कर सकते हो. यही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था, इसे फंडामेंटल राइट्स केस भी बोलते हैं. ठीक है, 1973 का केस था, केशव नंदा भारती केस, क्लास 12th में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इसमें ये कहा था पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 पावर तो है बट इतनी पावर्स नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है. फंडामेंटल राइट्स को भी ब्रेक कर सकता है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी हटा सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है. इन अमेंडिंग हैविंग पावर्स ऑफ अमेंडमेंट, उसके पास पावर्स है अमेंडमेंट की, बट इट कैन नॉट गो इन एक्सेस में नहीं जा सकते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं. जो जजेस हैं व्हाइल डिसाइडिंग दिस केस कुड नॉट फॉर्म अ यूनानिमस ओपिनियन ऑन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, जजेस एक्चुअली में समझ नहीं पाए थे कि एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड करें, क्या बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड ना करें. तो ऑन अ पेरियूजल ऑफ डिफरेंट केसेस डिसाइडेड बाय ग्रुप ऑफ केसेस डिसाइड हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, द फॉलोइंग फीचर्स सीम टू बी एमर्ज एज द बेसिक स्ट्रक्चर. इतने केस लॉज आए, बहुत सारे केस लॉज पढ़े गए, पता लगा कि क्या क्या चीजें एक्चुअली में बेसिक स्ट्रक्चर में आती है. टू बी बियॉन्ड अमेंडिंग पावर, उनको अमेंड करने की पावर आपके पास नहीं है पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक एज पब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सब चीजें आप अमेंड नहीं कर सकते. मैंने आपको ये बताया ना, सेक्युलरिज्म नहीं कर सकते हो, सोवरेनिटी को नहीं कर सकते हो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें आप अमेंड नहीं कर सकते हो. आफ्टर यू नो गेटिंग थ्रू अ लॉट ऑफ केस लॉज, देन यू गॉट टू नो व्हाट एक्चुअली इज द बेसिक स्ट्रक्चर. ऑलराइट, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था, जुडिशियल रिव्यू एंड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स जो होती है अंडर आर्टिकल 32-226, रिट पावर होती है ना फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, तो ये सब चीजें स्ट्रक डाउन नहीं हो सकती है. सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इस केस लॉ में डिसाइड किया गया था बिहार वर्सेस है ये बाल मुकुंद शाह, जो 2000 का केस था. ये सब चीजें मत याद करना, बस ये 2000 का केस है ये, तो ये पता होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब चीजें स्ट्रक डाउन नहीं हो सकती है. दिस ऑल फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर. राइट इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीजें स्ट्रक डाउन नहीं हो सकती है. It is therefore for the Supreme Court of India to determine finally the essential features of constitution, the framework of the constitution. क्या चीज है basic structure, क्या चीज amend हो सकती है, क्या नहीं amend हो सकती, it lies in the hands of Supreme Court. Supreme Court of India के हाथ में है basically ये. So in other words, the Supreme Court of India है, it has assumed to itself the constituent power and exercise of judicial review. उसके पास actually में constitution power है, constituent power है,
इन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू कि वो चेक कर सकती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पास यू नो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज नहीं कर रही है, ब्रेक नहीं कर रही है. इन कंक्लूजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट हैज नॉट अडॉप्टेड, उसने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है लाइक ब्रिटेन, फुल्ली अडॉप्ट नहीं कर रखा है. इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस, स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में उसने नहीं अडॉप्ट कर रखा है. Nevertheless, the Constitution of India जो है has sufficiently differentiated the essential functions. अलग अलग functions क्या है, तुम्हारे क्या function है, तुम्हें क्या हाँ तक perform करना है, ये सब चीजें उसने differentiate करी हुई है. And no organ shall assume itself essentially that belongs to the other. किसको कुछ और चीज belong कर रही है, तुम उसको actually में वो काम नहीं कर सकते हो because वो काम किसी और organ का है. But separation of powers strictest sense में नहीं actually में follow होता है. All right, is this clear? बहुत सारे ऐसे incidents हैं जहां पर you know separation of powers actually में include नहीं होता है and आपस में वो लोग check करते हैं एक दूसरे को, they do perform each other's functions as well, but फिर भी separation of powers actually में include होता है and what falls in the ambit in the scope of one organ differ करता है दूसरे organ से. All right, is this clear? Separation of powers यही खत्म हो रहा है. Basic structure हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे. केशव नंदा भारती केस 1973 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये सब आपको पता होना चाहिए. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग से चैप्टर है, वो हम कवर कर रहे होंगे. आई होप ये वीडियो यूजफुल लगे होंगे. एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू से डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. सजेशन फीडबैक मोर देन वेलकम. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. कोई चीज नहीं समझ आई हो वुड लव टू रिपीट दैट टॉपिक, जरूर बताना. ऑलराइट, चलो गाइस, आई विल सी यू सुपर सुपर सून. टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, बाय बाय. One more thing, I have uploaded, सारे आपके notes upload हो चुके हैं. Learn करो the live learning app, link description box में, अभी कभी जाकर download कर लो. Alright, सारे notes provide कर दिए गए, बहुत queries आई थी notes को लेकर, notes आपके already upload हो चुके हैं. Alright, I'll see you, bye bye.